गाइस, दिस इज पल्लवी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप पीछे मेरे एक टेंट हाउस टाइप का स्ट्रक्चर देख रहे होंगे यार। यस, सो दिस इज़ नो टेंट हाउस, दिस इज़ एक्चुअली अ मॉस्किटो नेट। एंड आज का पूरा वीडियो इसके बारे में होने वाला है। आई एम गोइंग टू शेयर डिटेल्स विथ यू बिकॉज आई नो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स अगर आपके घर पर मच्छर है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो जानने के लिए मच्छरों से छुटकारा कैसे मिल सकता है, सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो। सो ये मैंने अभी रिसेंटली परचेज किया है। यहाँ पे मेरे मॉम डैड के यहाँ पे काफ़ी मच्छर हो गया था। इट वाज लाइक अनबेरेबल। गुड नाइट वाज नॉट वर्किंग। जो स्टिक्स आते हैं ना, इंसेंस स्टिक्स, जिसके धुओं से वो मच्छर वगैरह मर जाते हैं, एंड ऑल दैट वॉज नॉट इफेक्टिव। सो बहुत कुछ होने के बाद आई सर्च ऑन अमेजोन एंड दिस इज़ वॉट आई गॉट। आई थॉट ऑफ ट्राइंग दिस आउट। आई वॉज टिल स्केप्टिकल कि कैसे फिट रहेगा एंड ऑल दैट, मे बी इट विल क्रम्बल डाउन और समथिंग, बिकॉज मेरे मॉम डैड के यहाँ पे वो बेड के साइड पे स्टिक्स नहीं है टू पुट ऑन दी ओल्ड स्टाइल मॉस्किटो नेट्स। सो आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग जो कि वो रॉड्स नहीं फिट करने पड़े एंड इट शुड गेट इंस्टॉल ऑन इट्स ओन। सो दिस इज सम व्हाट आई सॉ, आई फाउंड ऑन अमेजोन। ये मैंने बहुत पहले ऐसे देखा हुआ था बट आई डिड नॉट बिलीव कि दिस इज स्टिल इन मार्केट। सो ये मुझे मिला एंड आई शो यू द एंटायर स्ट्रक्चर हाउ इट लुक्स लाइक फर्स्ट एंड देन इसको रिव्यू करते हैं। तो ये क्लासिक मॉस्किटो नेट कुछ इस तरीके के पैकेजिंग में आता है। इसके अंदर सारी चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि एक मॉस्किटो नेट जो कि प्रॉपरली पैक्ड फोल्ड होके इसके अंदर रहता है। देन यू गेट द इंस्ट्रक्शन मैनुअल जिसके अंदर सारे इंस्ट्रक्शंस मेंशन है कि आपको खोलना किस तरीके से, फोल्ड किस तरीके से करना है, स्टेप वाइज सारा बताया गया है, वॉश कैसे करना है। इसके साथ साथ आपको ये मिलता है स्टार्स कुछ, जिनके बारे में मैं आगे जाके इस वीडियो में बताऊँगी। आप देखते हैं कि आपको यूज़ कैसे करना है। तो जैसे ही आप खोलते हो वो ऑटोमेटिकली अपने शेप में आ जाता है एंड आपको एक साइड से बुक को जैसे खोलते हो वैसे ही इसको ओपन करना है एंड बीच के वो स्ट्रिंग को आपको टान के लेना है सो दैट इट विल कम इनटू अ टेंट लाइक स्ट्रक्चर। सो अभी ये स्ट्रक्चर पे आ गया है तो आपको सेट करके इसको बेड के चारों तरफ टक इन कर लेना है। कॉर्नर्स को टग इन करने के लिए और प्रॉपरली टाइट रखने के लिए आपको इस नेट को अच्छे से बेड की मैट्रेस के नीचे दबाना है एंड देन एक इलास्टिक बैंड दिया गया है जिसको उसके ऊपर रख देना है तो ये टाइट होके रहेगा। सो ये नेट के दोनों साइड को ऐसे ली स्ट्रिंग दिया गया है जो बहुत ही खूबसूरत बना देती है टेंट हाउस को एंड देन यू गेट टू सी दिस वाइट होल्स। तो अगर आपको चेन नहीं लगाना है, आप खुला रखते हो, एंट्री नहीं की हो, सो आप इसको नीचे से वो नेट को फोल्ड करके उसमें डाल सकते हो, सो वो फिट होके रहेगा। एंड ये नेट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, आराम से हवा आर पार होती है व्हेन यू स्लीप इन द नाइट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, सफोकेशन का कोई ये नहीं होता। सो ये जो जिप आप देख रहे हो ये दोनों साइड को दिए गए हैं, आउटसाइड एंड इनसाइड डबल जिप के फॉर्म में है। सो बहुत ईजी है, बहुत स्मूथ है टू ग्लाइड थ्रू। ऊपर से कुछ इस तरीके से दिख के आता है ये स्ट्रक्चर। सो यूसेज के दौरान अगर कभी भी गलती से कुछ होल्स हो जाते हैं आपके मॉस्किटो नेट पे तो इमीडिएटली उसको यू नो स्टिच कराने की कोई ज़रूरत नहीं। यू गेट दी स्टार्स जो कि दो आप ऐसे डबल लेयर पे लगा दोगे एक के ऊपर एक इनसाइड एंड आउट, सो ये वो उस होल को कवर कर लेंगे और आपको इमरजेंसी में कुछ स्टिच नहीं करवाना पड़ेगा। सो ये जो मॉस्किटो नेट है ये सेल्फ सपोर्टिंग है, आपको इसको लगाने के लिए कोई रॉड वगैरह की ज़रूरत नहीं। आप देख सकते हो कितना आसानी से ये फिट हो गया है, ये एक खुलते साथ ही पॉपअप कर जाता है इंस्टेंटली एंड ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। फोल्ड करने में हाँ आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है टू यू नो गेट इट डन शुरू शुरू में, वंस यू आर यूज्ड टू इट आपको आसानी से फोल्ड कर सकते हो आप इसको।
ये मैंने किंग साइज बेड के लिए मंगवाया और मेरे बेड को आसानी से फिट हो जाता है। आपको ये वैरायटीज ऑफ साइज ऑप्शंस में मिलेगा, लाइक क्वीन एंड ट्वीन साइज में भी मिलेगा ये। इसमें वैरायटीज ऑफ कलर्स भी आपको मिलेंगे। ये स्प्रिंग स्टील टेक्नोलॉजी से बना है एंड इसका वेट लेस देन 1.2 kg है। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। नाउ आई एम शोइंग यू हाउ यू कैन फोल्ड इट बैक इनटू इट्स टाइनी शेप। सो आप इसको बेड से टग आउट कर लीजिए एंड जैसे आप बेड बुक खोले थे अभी वो बुक के पन्नों को बंद कर दीजिए बस। सो नाउ अभी इस शेप को ट्राइंगुलर फॉर्म में होल्ड कीजिए। जो ऊपर में लेस का लाइन है उसके दोनों तरफ हाथ रख के वहाँ से ट्विस्ट कीजिए। पहला ट्विस्ट वहाँ से होना चाहिए। नाउ वो नीचे की तरफ हो जाएगा। फिर नीचे से पकड़ के आप और एक बार ट्विस्ट कीजिए। शुरू में फोल्ड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट जा सकता है बट एक बार आपको पता चल गया तो आप कर पाओगे। तो ये सेकंड ट्विस्ट करने के बाद ऊपर से आप इसको ऐसे फोल्ड कर दीजिए। तो ये तीनों एक के ऊपर एक आ जाएंगे। बस ये सेट हो गया। और यहाँ पे जो साइड में इलास्टिक्स दिए गए उसके हेल्प से ये पूरा स्ट्रक्चर को आप टाई अप कर दीजिए। बस ये फिट हो जाएगा एंड उसके बाद आप इसको बैग में रख लीजिए। ये जो मैंने मंगवाया है दिस इज़ गेटिंग फिटेड ऑन अ किंग साइज़ बेड आराम से। ये मेरा बेड किंग साइज़ का है एंड आराम से फिट हो गया है। आप आई थिंक सो इसमें डिफरेंट साइजेस भी अवेलेबल है विच यू कैन चेक एंड ब्रिंग अकॉर्डिंग टू योर बेड। एंड मुझे काफ़ी इफेक्टिव लगा है। रात में सोने के बाद ऑफकोर्स नेट के अंदर कोई मॉस्किटोज आने का चांसेस ही नहीं रहता एंड यू गेट अ वेरी गुड नाइट स्लीप। एंड सेकेंड ये चीज़ है कि आपको इंस्टॉल करने के लिए यू डोंट नीड एनी रॉड्स और एनी फर्दर थिंग टू यू नो टाई योर मॉस्किटो ओल्ड स्टाइल मॉस्किटो नेट समथिंग। सीधा उसको वो इसी तरह से बनाया गया कि यू जस्ट हैव टू ओपन इट प्रॉपरली एंड देन इट गेट्स इन टू इट्स ओन शेप। तो आपको थोड़ा इधर उधर फिट करके लगाना है। सो दिस इज़ इट गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस मॉस्किटो नेट। अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिला, यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन। येस, दिस विल बी अ मोटिवेशन फॉर मी एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।